Hi everyone, I'm Aman Haik again with the new video of IELTS reading. And in earlier videos we have discussed many things about heading matching questions, the yes or not given questions. I hope you liked the videos, and if you are the first watcher here, you must watch the earlier videos of heading matching as well and should share it with your friends. So let's come to the today's topic. Jo aaj ka topic hamara guys hai, वो हम रीडिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपके इंफॉर्मेशन मैचिंग क्वेश्चंस. इंफॉर्मेशन मैच करना बेसिकली क्वेश्चंस कौन से होते हैं मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ व्हाट इज रियल वर्क. आपको स्क्रीन पे जैसे कुछ इंफॉर्मेशंस शो हो रही हैं क्वेश्चंस के अंदर, एंड बेसिकली कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं आपको और इसके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मैच करना है. ये जो आपको 4 to 9 क्वेश्चन हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको इनमें से मैच करनी है कि किस पर्सन ने कौन सी बात आपकी कर रखी है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको बड़ा इशू रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में, एंड दे ऑफन लीव दिस क्वेश्चंस. तो आपको गाइस रीडिंग में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वी आर हेयर टू हेल्प यू. एंड जो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके हेडिंग मैचिंग की तरह आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिंपली नाम फाइंड आउट करना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना, एंड यू विल फाइंड द लोकेशन ईजिली. ठीक है, आंसर आपको बहुत ईजिली मिल जाता है. सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन आपके इन्फॉर्मेशन मैचिंग नहीं रहते हैं, ये आपका आपको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है इनके लिए, आपको सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट नहीं मैच करना पड़ता है जैसे कि हमने अपने हेडिंग मैचिंग की वीडियोज़ में किया था. आपको बेसिकली करना क्या है, सिर्फ आपको नाम ढूंढना और वोकैबलरी मेनली रहता है. मैं अभी आपको जब डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सबसे पहले वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू गायस, आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा पैसेज में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं वो भी बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बिलो इन्फॉर्मेशन है 1, 2, 3 क्वेश्चन के अंदर वो किस पैराग्राफ में है. तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन ये दे रखे हैं और आपके ऊपर पैसेज आई थिंक आई तक अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 पैसेज आपके ऊपर हैं. तो आपको फर्स्टली इन क्वेश्चंस को नहीं पुटअप करना है. ये मैं आपका डिफरेंट वीडियो में जब पूरा रीडिंग सॉल्व करने का वीडियो हम डालेंगे तो मैं उसको उसमें ज़्यादा क्लियर कर दूंगा. आपको पहले क्वेश्चंस तो से करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, बिकॉज इनके अंदर आप पैसेज ऑलरेडी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो उसके अंदर जो पैसेज आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट नेम. कैन आई आप नवैजे आई थिंक समथिंग इट इज़ द नेम. सो कनायो क्या कह रहे हैं वो आपको पैसेज के अंदर गो थ्रू करना है, पैसेज में फाइंड आउट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस. ओके, सो कनायो हमें ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, फर्स्ट पैसेज के अंदर देखिए कि आपको कनायो नाम कहीं पे दिख रहा है. आई डोंट थिंक कि फर्स्ट पैसेज में हमें कहीं पे ये नाम गिवन है. नो, वी आर नॉट गेटिंग इट. बी इट माइट भी हो सकता है कि बी में आपको कोई नाम मिल जाए. गाइस, फार्मर्स एवरीवेयर फेस मेजर रिस्क, इनिशिएटिव इन एडिशन एडवर्टीजमेंट, ह्यूमन काउंटर शेटिव फार्मिंग इज डेवलपिंग वर्ल्ड. ओके, यहाँ पे भी आपका कोई नाम नहीं है. आर ऑनलाइन डिबेट आर्ग्यूड बिगेस्ट चैलेंज टू एड्रेस अंडरलाइन कोर्स एग्रीकल्चर सिस्टम स्टेबिलिटी टू साइंस फोर्ड, यहाँ पे भी आपका कोई नाम नहीं गिवन है गाइस. सो पहले लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है, आपको लोकेशन मिलेगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे. सो आपको ये नाम मिल गया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप जहाँ पे आपको लोकेशन मिलती है कम से कम 2 sentences आप ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. वन ऑफ द क्वेश्चन मिटिगेटिंग द रिस्क फार्मर फेसेस, मैंने आपको इंस्टा पे जो वोकैबलरीज करवाए थे या फिर इससे पहले की वीडियो में जो वोकैबलरी हमने करवाए थे, मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है, रिमूव करना किसी भी चीज़ को, सॉल्व करना. और जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबलरीज. सो मिटिगेट करना रिस्क जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं, मोस्ट इजिएस्ट कॉल स्टेट इंटरवेंशन की वजह से ये हो सकता है ये कह रहे हैं. इन हिज ऐसे जो ये पर्सन है, ये प्रेसिडेंट हैं जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के, ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा के वो रिस्क को उनके कम कर सकते हैं, जैसे कि मोर एफिशिएंटली टू द मार्केट. अगर रोड्स होंगे उनके पास तो ज़्यादा जल्दी वो मार्केट में जा पाएंगे, फूड स्टोरेज वगैरह कर पाएंगे. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नाम आ गया आपका, जो सोफिया जी यहाँ पे आ गए हैं,
सो इफ़ यू कंसिडर आवर क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पे अगर मूव करें यहाँ पे, ओके लेट्स फाइंड इट हेयर। यहाँ पे देखिए कि आपको इस तरह से रोड सर्विसेज जो उन्होंने कही थी, या फिर प्रॉब्लम रिमूव करने से रिलेटेड कोई भी बात करी थी, क्या उनसे रिलेटेड आपको कोई वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अगर मैं फर्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट्स की बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं करी है। तो अगर नेक्स्ट नेम में कोई पैसे रिलेटेड आती है तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फार्मर्स कैन बेनिफिट फॉर कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप, ग्रुप की कोई बात नहीं हुई है और आपस में फार्मर्स का कोई कोलैबोरेशन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं है। अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे है, ये भी नहीं हो सकता आपका। फाइनेंशियल इनपुट नहीं हो सकता। रिड्यूस वेरिएशन नहीं हो सकता, वेरिएशन इन प्राइसेस की बात हुई है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजर इम्पैक्ट ऑन रिस्क ऑफ फार्मर्स, रिस्क ऑफ फार्मर्स की बात हो रही थी गाइस। उसके बाद रोड्स सर्विसेज की बात हो रही थी, तो इसमें अगर मैं रोड और सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको वर्ड दिखाऊं तो दैट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ये वोकैबलरी एक सिमिलर वर्ड मिल गया है तो आपको जो है पैसेज को दोबारा पढ़ने की नीड भी नहीं होती गाइस। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं जिनका कोई सिमिलर मीनिंग है आपके पैसेज के अंदर, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, नेम इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चंस रहते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड दी सिनोनियम्स, ओके, यू जस्ट नीड टू फाइंड दी सिनोनियम्स, नॉट दी लाइक क्वेश्चंस, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट द नाइन्थ क्वेश्चन, द आंसर इज गोइंग टू बी ए हेयर, ओके दैट्स फाइन। नाउ नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट नेम इज सोफिया, जो कि हम अभी ऊपर पैसेज में छोड़ के आए हैं यहाँ पे। तो सोफिया जी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमारे गाइस। बड़े ध्यान से प्लीज़, बिना किसी डिस्ट्रक्शंस के आपको क्वेश्चंस करने हैं। माइट भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो तो आप ब्रेक करके इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रिलेटेड देख सकते हो। किसी भी आपके दूसरे फ्रेंड को अगर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको भी प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प हो सके। सो अगर मैं आपके सोफिया की बात करूं जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं कहीं पे, आपको ये सब चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है। स्टॉक्स बाय गवर्नमेंट, ये क्या कह रहे हैं, होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स बाय गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प मिटिगेट वाइल्ड स्विंग्स। स्विंग्स क्या होते हैं आपके, अप एंड डाउन किसी चीज़ का होना इन फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर स्टॉक होल्ड कर ले एग्रीकल्चर के अंदर, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा जो है आपका एग्रीकल्चर परचेज करे तो अनसर्टेनिटी अबाउट मार्केट सप्लाई। सपोज कि अगर गवर्नमेंट सारा एक साथ आपका प्रोडक्ट खरीद लेती है और फिर से वो सप्लाई के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टेंट प्राइस पे उसको वो बेचते हैं, तो वो इस तरह के स्विंग्स यानी कि अप एंड डाउन्स जो हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। बहुत ईजी है ये भी गाइज, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले आपको यहाँ पे भी नहीं पढ़ने हैं। प्राइस से रिलेटेड हमने ये पैसेज पढ़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक वर्ड देख के आंसर लगाना है। गवर्नमेंट की बात हो रही थी, हेल्प की बात हो रही थी। रिड्यूस वेरिएशंस, आपके वेरिएशंस क्या रहते हैं बेसिकली, अप एंड डाउन, जो स्विंग से रिलेटेड बात हो रही थी उनसे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। तो आपका एट क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, सोफिया मर्फी, विच इज बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट नाम आपका क्या है, दैट इज फैन और शेनेगन फैन जो भी ये पर्सन है। इसके अलावा नेक्स्ट कबीर जी हैं, तो अगर कबीर जी या इनमें से कोई आपको नाम मिलता है तो दैट यू कैन गो थ्रू विद, ठीक है। कई बार आपको गैस ऐसा भी होता है कि आपके नाम दो जगह गिवन होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको 80% हमेशा जो है रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये जनरल है कोई फूड सप्लाई के, ये भी क्या कह रहे हैं, हेल्प अस सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम इन इथियोपिया, जो ये कोई इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं जो हेल्प अस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हेल्प अस हेल्प अप सोशल सेफ्टी नेट्स, इसको ये इथोपिया में अंदर ब्राज़ील के अंदर करते हैं। वैल्यूएबल एड टू पॉवर्टी अमंग फैमिलीज एंड रिड्यूस देयर टू एग्रीकल्चर शॉक्स, यहाँ पे पॉवर्टी की मेनली वो बात कर रहे हैं। पॉवर्टी आपका होता है गरीबी होता है, लतीफ़ी एक उर्दू का वर्ड बड़ा अच्छा इसके लिए है। सो फैमिलीज़ को वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फार्मिंग फैमिलीज़ के अंदर पॉवर्टी को वो कैसे रिमूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर शॉक से, वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारे वे होते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। हाउएवर कुछ जो कमेंटेटर्स हैं यानी कि इस पर्सन को छोड़ के जो दूसरे कमेंटेटर्स हैं वो क्या रिस्पोंड करते हैं कि जो कैश ट्रांसफ़र टू अ पुअर फैमिलीज डू नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट। अब यहाँ पे दूसरे कमेंटेटर की बात हो रही है गाइस, यहाँ पे
वैल्यूएबल वेज एड्रेस करने की बात वो बता रहे हैं कि जैसे जो सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं या फिर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको एड्रेस कराते हैं पॉवर्टी की, पॉवर्टी है कहाँ पे। अब जो दूसरे हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनको पैसा ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं है पुअर फैमिलीज़ के अंदर। नीड टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी एज दिस प्रोग्राम डू नॉट ऑलवेज फूड प्रोडक्शन और रेज इनकम। इस तरह के जो प्रोग्राम ऊपर बात की गई थी कि एड्रेस कितना इनकम है उनका, जो ऊपर पर्सन बात कर रहे थे, उनसे उनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिलता है या फिर उनकी इनकम नहीं रेज होती है। सब्सिडीज़ फॉर एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे कबीर जी आ गए गाइस, ठीक है। सो ऊपर जो हमने नाम पढ़ा था उसके रिलेटेड आपको कोई जो है यहाँ पे हावेवर करके कमेंटेटर के साथ उनका कॉन्ट्राडिक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार हम क्वेश्चंस को देख लेंगे, अगर हमें कुछ मिला तो ठीक है, अदरवाइज हम स्किप करेंगे। वी विल वेट कि हमें दोबारा ये नाम मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डू नॉट ऑलवेज गो टू द फार्मर्स, जो ये फार्मर्स से उनको हेल्प मिलती है गाइस, ये हमेशा फार्मर्स के पास नहीं जाती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, वहाँ तो पॉवर्टी को एड्रेस करने की बात हो रही थी, ठीक है, प्रोग्राम्स की वहाँ पे बात हो रही थी। तो अगर हम इसका नेक्स्ट गो थ्रू करें, ये नाम का ऑप्शन क्या था हमारा, सी था। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर देखें, कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार्मर्स, पॉवर्टी से रिलेटेड बात हो रही थी गाइज, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले आपके दोनों ऑप्शन इसके बचते हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर यहाँ पे अगर बात देखें तो वो हु मोस्ट नीडेड उनके पास नहीं जाती है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, रेज इनकम के रिलेटेड बात हो रही थी, ठीक है। सो एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं, और अगर हमें कोई दूसरा नाम दोबारा ये कहीं पे मिलता है तो वी अगेन विल फाइंड इट। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को हम पुट अप करेंगे, और हमेशा हम ऐसा ही करते हैं गाइज, आप एक क्वेश्चंस के ऊपर कंफ्यूज नहीं होते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। कबीर, ऊपर आपको लोकेशन मिली थी कबीर की, तो हम कबीर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। कबीर क्या कह रहे हैं इन दिस एसे, हैव नॉट कंपनसेटेड फॉर दी एक्सरसाइज बाय प्राइवेट ट्रेडर्स। वो प्राइवेट ट्रेडर्स के बारे में कोई बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ होल्ड की कोई बात हो रही है। स्टडी शो दैट 60% ऑफ द बेनिफिशरी ऑफ सब्सिडीज, जो 60% लोग हैं जो कि बेनिफिट उठा रहे हैं सब्सिडीज का, आर नॉट पुअर बट रिच लैंड ओनर्स एंड नॉन फार्मर ट्रेडर्स। यानी कि जो सब्सिडी का पैसा है वो गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, वो इनको मिल रहा है जो कि ना तो पुअर है, रिच लैंड रोवर्स है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, या फिर जो नॉन फार्मर ट्रेडर्स हैं जो खाली एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो कैन इम्प्रूव, नहीं ये वाला नहीं, ये हु मोस्ट नीड इट, कि उनके पास तो सब्सिडी जाता ही नहीं है जिनकी इसको नीड है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट आपको कोई भी कट ऑफ प्रोवाइड कराता है। सपोज आप कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें से आधा पैसा या फिर 20% 30% गवर्नमेंट पे करती है, बाकी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही इनकम टैक्स में मान लो कोई भी आपको ऑफ मिल रही है। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जो हमारे कबीर जी थे, सो डी कुड बी द आंसर फॉर दिस। अभी एक ऑप्शन हमने छोड़ रखा है सी गाइज, हम उस पर अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द थिंग यू मस्ट ऑल्सो लर्न। पैट मुनी को हम देख लेते हैं, व्हाट पैट मुनी इज टॉकिंग अबाउट, इस मनी मुनी वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इट कुड बी। ओके, सो यहाँ पे दोबारा से फिर नोएजो मर्फी और फैन यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट प्राइवेट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स लाइक प्राइवेट इंश्योरेंस, कमोडिटी, फ्यूचर मार्केट, फाइनेंस, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर मिटिगेट रिस्क एंड अलो फॉर इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे दोबारा से नाम रिपीट हो रहे हैं, आई थिंक इस तरह के नाम हमें नहीं ढूंढने हैं, हमारा जो मेन पर्पज़ था नाम फाइंड आउट करने का वो नाम हमें ढूंढना है, मनी सॉरी मुनी या फिर टोन, जाल टोन आपको अगर मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तो तीन नाम ऑलरेडी आप ढूंढ चुके हो, इनको आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। एंड कबीर दोबारा से आए हैं, कबीर भी चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है फैन एक नाम है यहाँ पे मर्फी, ये भी आपको नहीं ढूंढना है। कबीर चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, अडॉप्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीडियम टर्म में रेज प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की वैल्यू से ज़्यादा, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही उनको ज़्यादा आएगा अगर इस तरह की हाई इनपुट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उनको किया जाता है।
मर्फी ने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि फ्यूचर मार्केट बिकम एक्सेसिवली फाइनेंशियलाइज्ड, वो एक्सेसिवली जो है फाइनेंशियलाइज्ड हो जाती हैं गाइस, अगर उनको ये चीज़ें जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं. फाइन. एंड फर्दर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका नाम आपको नहीं मिला अभी तक कोई यहाँ पे, देखिए आर यू फाइंडिंग एनी ना नेम हेयर, स्टॉक्स एडिक्वेट अदर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंसी, नहीं देर इज़ नो नीड फॉर दैट. हो सकता है गाइज कि एक नाम के लिए आपको दो आंसर भी मिलें, बट आपका जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नाम्स को ढूंढिए, उसके बाद उनमें से जो है रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको जो बचेंगे, जो भी ऑप्शन बचते हैं यू विल फाइंड दम अगेन. ओके. सो पैट मुनी आप नाम ढूंढ रहे थे, या फिर जाल टून आप नाम ढूंढ रहे थे, पैट मुनी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. ओके, वी गोना गो थ्रू हेयर. सो वट दे आर सेइंग, अगर हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करें गाइज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर पैटर्न इंक्रीज फार्मर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग वेदर रिलेटेड रिस्क. वेदर रिलेटेड रिस्क बढ़ रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर पैटर्न्स, वेदर जो है चेंज हो रहे हैं आजकल, प्रिडिक्टेबल नहीं है. प्रिडिक्टेबल होती है कोई चीज़ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पहले ही बता सकते हो कोई भी चीज़, वो यहाँ पे नहीं हो रही है. सो पैट मुनी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, इफ़ वी आर सर्वाइव टू क्लाइमेट चेंज वी मस्ट अडोप्ट पॉलिसीज, डाइवर्सिफाई द प्लांट एनिमल स्पीसीज एंड वराइटी ऑफ बेड्स टू मेक आवर मेन्यूज. अगर आपको वेदर के साथ मैच करना है तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर डाइवर्सिटी लेके आनी पड़ेगी, प्लांट्स हो गए, एनिमल स्पीसीज होगी, वैरायटी ऑफ ब्रीड्स होगी, आपको मतलब एक सर्कल रोटेट करना पड़ेगा ताकि आप जो है वेदर से रिलेटेड जो है इस कंडीशन को मैच कर सको. ठीक है. इसके अलावा पैट मनी ने आगे कुछ नहीं बात करी है. सम पार्टिसिपेटिंग ऑथर्स एंड कमेंटेटर्स आर्ग्यूड इन फेवर कम्युनिटी बेस्ड, कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया. सो अभी तक जो बात करी है वैरायटी से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं, क्या वेदर से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात हो रही है. कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप, कोई ग्रुप की बात नहीं हुई थी. आपके ऑप्शन कौन से हैं पैट मनी, यू आर ई हेयर, ठीक है, पैट मनी आर दी ई हेयर. एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है वेदर से रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन में आपके बात नहीं आए. फार्मर कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप की कोई बात नहीं है. फार्मर्स में हेल्प इन फाइनेंशियल यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. तो बेसिकली आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं लग रहा है, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम. जालटोन आप हम देख लेते हैं कि जालटोन वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. जालटोन, ओके, वी आर लकी हेयर, वी गॉट द लोकेशन. सो यहाँ पे से पहले मर्फी भी हैं. मर्फी, कलेक्टिव एक्शन ऑफर एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ फार्मर टू स्ट्रेंथन देयर, वन कमेंटेटर वार्न दैट कलेक्टिव एक्शन डज नॉट कम एज ए फ्री गुड, इट टेक्स टाइम एफर्ट्स ऑर्गेनाइज बिल्ड ट्रस्ट टू एक्सपेरिमेंट. जालटोन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कलेक्शन की वो कोई बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग की कोई बात कर रहे हैं वो, कि अगर वो ग्रुप होके काम करते हैं, इसके ऊपर आप पढ़ ही चुके ऑलरेडी. सो वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट गाइज, अगर आप जालटोन की बात करो, यहाँ पे हमने नाम ढूंढा था, ठीक है, ऊपर अकॉर्डिंग टू मर्फी, मर्फी कह रहे थे कि कलेक्टिव कलेक्शन जो है कलेक्टिंग एक्शंस ऑफर किए जाने चाहिए फार्मर को, ताकि उनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बारगेनिंग पावर हो सके, यानी कि अगर सब फार्मर्स एक जगह इकट्ठे होके उनको कोई ना कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिटिकल होगी चाहे वो पैसे से रिलेटेड होगी, सो इससे उनका बिजनेस का रिस्क जो है हो सकता है. बट वट जाल्टोन इज सेइंग, जाल्टोन ने वॉर्न किया कि ये इतना ईजी नहीं है, इसे आपको जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं. तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या उन्होंने कोई बात करी है. जाल्टोन आपके ऑप्शन हैं एफ, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दी कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिंग एज अ ग्रुप, यहाँ पे भी बेनिफिट की कोई बात नहीं है. सो वो वॉर्न कर रहे थे, वो भी इसके अगेंस्ट थे. सो दैट इज़ नॉट एनी आंसर गाइज. कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ मैच नहीं करती है. सोनाली बेस्ट आपके हैं, सोनाली बेस्ट को हम पढ़ लेते हैं. वट शी इज सेइंग, वी डोंट हैव एनी नेम हेयर. ओके, शी इज हेयर. सिमिलरली, सिमिलरली यानी कि जो अपर गिवन कोई भी बात है वो ही वो कर रहे हैं. सो सम पार्टिसिपेंट एक्सप्लेन दैट मार्केट प्राइस इज ऑफन बाय इंटरमीडिएटरी परचेजर्स, जो बीच के परचेजर्स उनके रहते हैं, यानी कि लाइक जो फार्मर से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आगे होलसेलर्स को जो भी बेचते हैं, तो वो एक इशू हो सकता है. तो वन कमेंटेटर सजेस्ट फार्मर कैन गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्राइस, मिनिमाइज प्राइस बाय सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स.
अगर वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, इंटरमीडिएटर को नहीं रखते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट हो सकता है। इसी तरह सोनाली बेस्ट हैं, वो भी क्या कह रही हैं, ग्रोट द कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, कंज्यूमर इन्वेस्ट इन लोकल फार्मर्स, कि कंज्यूमर जो है फार्मर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर मुझे सपोज राइस खरीदना है तो मैं किसी फार्मर के पास जाऊं, मैं उसको ऑलरेडी प्राइस पे कर दूं पहले ही, ताकि वो मेरे लिए राइस ग्रो कर सके। तो वो एक तरीका ये बता रहे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक ऐसा हमने कुछ पढ़ा था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इफ़ यू कैन फाइंड आउट हेयर, गवर्नमेंट की इसमें बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात हो रही है, इंटरमीडिएटरी की बात हो रही है। तो फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं था, कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप माइट भी हो सकता है। फार्मर्स कैन कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप, फार्मर्स में हेल्प बाय इंडिविजुअल्स हु बाय फ्रॉम दैम। गाइज, इंडिविजुअल्स हु बाय फ्रॉम दैम, तो वो कौन होंगे, आपके कंज्यूमर्स। और वो ही कह रहे थे कि अगर वो उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं सो दे कैन गेट बेनिफिट। ठीक है, ओके गाइज, सो आंसर इज़ हेयर। जो भी उनका नाम था, आई थिंक FG पे हम थे उनके पास, जी लास्ट नेम आई थिंक उनका था, जी सोनाली बिस्ट का। सो अभी आपके पास क्वेश्चंस कौन से बच गए हैं, आपका फिफ्थ बच गया है, आपके पास सिक्स बच गया है। सो इनके लिए आप दोबारा से इसको रीड कर सकते हो गाइस। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से, आपको करना क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, आपको नेम टू नेम गो थ्रू करना है, लोकेशंस पे गो थ्रू करना है, सो दैट यू कैन हेल्प आउट। ओके, सो गाइस प्लीज शेयर द वीडियोज, और नेक्स्ट वीडियो भी हम सेम ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन एंडिंग मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपके साथ जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।